बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहसिन है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज़ाद चाय वाले चैनल के ऊपर आज़ाद भाई ने एक वीडियो बनाई है। मैं कोई उनकी मुखालफत नहीं यहाँ पे इस वीडियो में कर रहा, या जस्ट एक आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने बात की है वो किस हवाले से बात की है और फॉरेक्स इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें देखना पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसा है कि मेरा इसमें, क्योंकि काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं ट्रेडिंग करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 साल का अर्सा हो चुका है, तो उस हवाले से मैं आपको ज़्यादा बेटरली चीज़ों को गाइड कर सकता हूँ जो मेरे लिहाज से आपको समझनी चाहिए। देखिए, आज़ाद भाई ने सबसे पहले तो एक बात की कि ऑक्टा एफएक्स जो है ब्रोकर वो स्कैम है, या उस हवाले से वो स्कैम कर रहा है, आपको विड्रॉल नहीं करेगा, या मैं यहाँ पे किसी भी ब्रोकर को उसकी सपोर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मैं जस्ट फॉरेक्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ और अगर कोई भी इस हवाले से कोई भी बंदा बात करेगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नीचे आते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आपकी वीडियो का, आज़ाद भाई की वीडियो का कमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है कि उन्होंने ये वीडियो बनाई है या क्या फॉरेक्स जो है वो टोटली फेक है या स्कैम है, तो आप हमें बताएं। सबसे पहले उन्होंने जो बात की कि इसमें लॉस के चांसेस हैं, मैं भी इसको मानता हूँ। हम हर वीडियो में डिस्क्लेमर लगाते हैं, हर ब्रोकर ने डिस्क्लेमर लगा रखा है, उसकी रीज़न क्या है? लॉस के चांसेस इस वजह से ज़्यादा हैं यहाँ पे। फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, सबसे पहले तो दुनिया की सबसे बड़ा ट्रेड वॉल्यूम फॉरेक्स के अंदर है, $7 ट्रिलियन का डेली का ट्रेड वॉल्यूम है इसमें। और जब इसमें आप लोग ट्रेड करते हैं तो बिना नॉलेज के आप किसी भी मार्केट में जब एंटर होते हैं, ये बज़ाहिर थोड़ी सी आसान मार्केट इसलिए लगती है नए आने वाले यूज़र को, वो डेमो ट्रेड करता है कुछ अरसा और वो ये समझता है कि बाय एंड सेलिंग में या ज़्यादा मतलब कि बड़ी लॉट्स लगा के विदाउट किसी भी मनी मैनेजमेंट को देखते हुए, किसी भी रिस्क रिवार्ड रेशो को देखते हुए वो जब ट्रेड करेगा और बड़ी लॉट्स उठाएगा तो उसका जो रिस्क है वो बढ़ता जाएगा। और फिर पाकिस्तान में या एशिया के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना सीखे हुए ट्रेड कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और दूसरा उनके पास कैपिटल भी कम है, छोटी अमाउंट से वो इंटर होते हैं इतनी बड़ी मार्केट में जो कि $7 ट्रिलियन का डेली का ट्रेड वॉल्यूम है जिसके अंदर, और उसके अंदर इतनी छोटी सी अमाउंट के अंदर इंटर हो जाना और वो भी विदाउट नॉलेज, तो जहरी बात है आपका लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आप ये किसी भी मार्केट में जाते हो तो उसमें लॉस होगा, जैसे कि अगर आप अमेजोन में काम करना शुरू कर दें विदाउट नॉलेज, अगर आप जस्ट एक वेबसाइट बनाते हो और अमेजोन पे आप सोचना शुरू कर दें कि मैं यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दूंगा, तो आप नहीं कर सकेंगे, आपको लॉस के चांसेस ही बढ़ेंगे आपके साथ। तो सेम फॉरेक्स मार्केट में पहली बात तो ये है, लॉस के चांसेस दुनिया की हर मार्केट में होते हैं, लेकिन जितनी बड़ी मार्केट है उतने बड़े रिस्क भी उसमें से देखना पड़ सकता है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी ब्रोकर्स विथड्रॉल नहीं करते। मैं ऑक्टा को या किसी भी ब्रोकर को और नहीं बताना चाहता, या मैं किसी के दिफा में नहीं बैठा कि कौन सा ब्रोकर विथड्रॉल करता है या नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनली जितने भी ब्रोकर्स हैं, अब जैसे कि मैं एक्सनेस के साथ काम कर रहा हूँ तो एक्सनेस ब्रोकर विद इन 1 मिनट विड्रॉल करता है। आप विड्रॉल करना, मैं कई वीडियोस में बना चुका हूँ, जितने भी दोस्त इसमें पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से इसमें क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, आज तक ये कभी सुनने में नहीं मिला कि विड्रॉल नहीं आता। विड्रॉल पॉसिबल इस वजह से नहीं है, जितने भी इंटरनेशनली ब्रोकर हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है कि वो इस चीज़ को नहीं कर सकते, और इतने बड़े और इतने ज़्यादा उनके पास क्लाइंट्स हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज़ाद भाई ने ये बात की अपनी वीडियो में कि विड्रॉल नहीं करते, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, 100% मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये विड्रॉल नहीं करते। हाँ, कुछ ब्रोकर्स फेक हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ वो ऐसे ब्रोकर्स हैं कि जो रेगुलेटेड नहीं है, या कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि लोकल बेस पे ब्रोकर्स बन जाते हैं लोग, जिस तरह से आपने बोला कि आप एक जगह पे गए, आपने मतलब कि एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो बनाना चाह रहे थे, तो इस तरह से बहुत सारे लोग ब्रोकर बना लेते हैं लेकिन उसके पीछे उनकी प्रॉपर सपोर्ट नहीं होती। दुनिया के जो बड़े ब्रोकर्स हैं, जिस तरह आपने एफएक्स प्रो का नाम लिया और बहुत सारे ब्रोकर्स का नाम लिया अपने वीडियोज के अंदर, तो ऑक्टा के साथ मैंने काम नहीं किया, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानता कि इतने बड़े ब्रोकर्स और इतनी बड़ी मतलब कि कंपटीशन के अंदर आके वो इस चीज़ को कर दें कि आपको विड्रॉल ना दें। आप उस वीडियो में कह रहे हैं कि विड्रॉल, वो कहते हैं जी कि
कभी आपकी तरफ से सवाल पूछ लेते हैं, कभी उनसे पूछ लेते हैं जी कि आपका पैसा यहाँ पे या वहां पे, इस तरह से टालते रहते हैं। तो ऐसा मैंने तो अपनी ट्रेडिंग, जितनी भी मेरे पास ट्रेडिंग किया का एक्सपीरियंस है, जितना भी टाइम मैंने इसमें इस मार्केट में दिया है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस तरह से विथड्रॉल ना किया हो ब्रोकर ने। उसके बाद डिफरेंट और चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की हैं जी, कि मार्केट को खुद रन करते हैं, यानी कि प्राइसेस यहाँ पे डिफर करती हैं। अभी भी आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट गोल्ड की मार्केट चल रही है। आप इंटरनेशनली किसी भी जगह पे जाके सर्च करें जो इसकी प्राइसेस होंगी, यहाँ पे जो मार्केट में प्राइसेस आ रही हैं वो सारे दुनिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं, जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, उनमें सेम प्राइस होती है। कुछ पॉइंट का फर्क हो सकता है, पिप का या थोड़े बहुत पॉइंट्स का फर्क हो सकता है, लेकिन वो इतने माइनर होते हैं कि उससे आपको इस तरह नहीं होता कि आपने $100 डिपॉजिट किया तो वो टोटली आपके अपोजिट लास्ट में बैठा देंगे। ऐसे ऐसे ब्रोकर्स नहीं होते। ब्रोकर्स अगर पहचान नहीं आपको नहीं आ रहा, या ब्रोकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास कि किस तरह से ब्रोकर को सिलेक्ट किया जाता है, ब्रोकर्स उसके जो मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो फिर तो लॉस हो सकता, फिर तो आप कह सकते हो कि ब्रोकर बिल्कुल ही एक अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। कई दफ़ा सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से मार्केट में डिप आ सकता है, किसी और ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर वो क्रैश कर सकता है सॉफ्टवेयर, लेकिन वो क्लेम करते हैं जैसे कि अभी कुछ अर्सा पहले आईसी मार्केट में ये चीज़ हुई थी, तो मार्केट ने एक ऐसे डिप लगाई, बाकी सारे ब्रोकर में प्राइस सेम थी लेकिन उसने वहाँ पर डिप लगाई, तो बाद में उन लोगों को जब क्लेम किया गया तो वापस रिटर्न करने पड़े उस ब्रोकर को पैसे। इस तरह से नहीं होता कि आपके पास यहाँ पे अगर डॉलर गोल्ड का जो प्राइस है वो $1,850 फी बैरल फी औंस चल रहा है, सॉरी बैरल बोल रहा हूँ, तो फी औंस चल रहा है अगर गोल्ड का रेट, तो ऐसा नहीं होता कि किसी और ब्रोकर में वो 1800 होगा या किसी और ब्रोकर में वो 1750 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले रीजन, सबसे बड़ी जो रीजन है, ये इतनी टफ कंपटीशन है इन ब्रोकर्स के दरमियान में कि ये प्राइसेस को इस तरह से डिफर कर नहीं सकते। और अगर आप एक प्राइसेस को देखोगे, आपने प्राइसेस यहाँ पे फॉलो की हैं, आप देखोगे कि यार दूसरा ब्रोकर आपको ये प्राइसेस दे रहा है या बाकी सारे ब्रोकर्स आपको ये प्राइस दे रहे हैं, तो लोग फौरन उस ब्रोकर की तरफ जाते नहीं है जिनके पास नॉलेज है। और अगर आप बिना नॉलेज के किसी ब्रोकर में घुस जाएंगे तो वो तो अपनी मर्जी के प्राइसेस दिखा सकता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को दिखा सकता है जो नॉलेज नहीं है, सबसे पहले जो मैंने बात की है। फिर यहाँ पे लॉस क्यों करते हैं, ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं फॉरेक्स के हवाले से, और ट्रेनिंग देने की जो भी है उनकी वो कोशिश है, लेकिन हमारी ज्यादातर कम्युनिटी क्या करती है कि सिग्नल के पीछे भाग रही है। अब ये फॉरेक्स मार्केट का कसूर नहीं है, हम असल में आसानी की तरफ ज्यादा जाते हैं। हम पाकिस्तानी या हम जो ज्यादातर लोग हैं हमारे एरिया के अंदर, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें पक्की पकाई मिल जाए और हमें कुछ करना ना पड़े, हम जैसे भी हो ट्रेड करें और हमें कोई ट्रेड भी बता दे कि यहाँ से लगा लो, यहाँ पे बंद कर दो, इतना तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, और उल्टा वो विड्रॉल भी करा के आपको दे दे तो फिर आप खुश हो। तो ये चीज़ें जब आप मार्केट में करोगे या इस तरह की चीज़ें जब लोग सर्च करते हैं और उसकी तरफ जाते हैं तो वो लॉस उठाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी रीज़न है कि लोग सीखते नहीं है, सिग्नल की तरफ जाते हैं। सिग्नल्स वो लोग ज़्यादातर दे रहे होते हैं जो कि मार्केट में उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो या तो अपना आईबी बना रहे होते हैं या फिर अपने मतलब मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरी आपने एक और बात की कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोग जो लोगों को देते हो या ट्रेडर्स जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इस बात के मैं भी आपके साथ हूँ। इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी बंदा ट्रेडर है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और वो ट्रेडिंग करना जानता है, तो उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहिए और किसी को भी उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं कराना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, आई थिंक सो वो आप सही कह रहे हैं कि उसमें वो ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती ट्रेड करने के वाले से, या वो अपने पैसों को क्यों नहीं वो रिस्क पे डालना चाह रहा होता, वो दूसरों के पैसों को कर रहा होता है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ इस चीज़ में एग्री हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा बनना चाहिए। आपने एक पहले भी वीडियो आजाद भाई ने बनाई थी जिसमें उन्होंने फॉरेक्स के हवाले से इंट्रोडक्शन दिया था कि, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इस चीज़ से आप डिसएग्री नहीं कर सकते कि ये दुनिया में लोग इस चीज़ को कर नहीं रहे, या पूरी दुनिया में ये एक स्कैम है, या पूरी दुनिया जो है वो एक इसके ऊपर फ्रॉड के ऊपर चल रही है, तो ऐसा नहीं है।
अगर हम किसी चीज को सीखे बिना करेंगे तो जाहिर बात है वो दुनिया का कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप लॉस ही करोगे और वो जुआ टाइप ही लगेगा। बाकी उन्होंने बात की कि ये एक जुए की तरह है, जुए की तरह भी उन लोगों के लिए है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रेड को एक्टिव करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ से मार्केट ने बाय होना है या सेल होना है या किस वजह से बाय होना है या किस वजह से सेल होना है। उनको डाटा पढ़ने का पता नहीं है, उनको कैंडल्स पढ़ने का पता नहीं है, चार्ट पढ़ने का पता नहीं है, वो जस्ट ट्रेड को एक्टिव कर रहे हैं और उन्हें आगे कुछ भी पता नहीं है। आप सिर्फ आंखें बंद करके एक बाय लगा देते हो या सेल लगा देते हो बिना नॉलेज के, आपको किसी का पता ही नहीं है चीज का, तो फिर तो जाहिर बात आप उसमें आप उसे कह सकते हो कि ये जुआ तुक्का लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ना सही। लेकिन जब आप फॉरेक्स को सीख के करते हो तो आप ट्रेडिंग करने के दौरान अपनी मनी मैनेजमेंट को अगर कंट्रोल करते हो, आपको पता होना चाहिए मैंने कब ट्रेड लेनी है, कहाँ पे मैंने एग्जिट करना है, कितनी अमाउंट से आपने ट्रेड करना है, कितना आपका कैपिटल रिस्क पे जाएगा और कितने कैपिटल के ऊपर आप कितना गेन कर सकते हो, और उसके बाद आप को टोटल इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा है, आपने टीपी कहाँ पे रखा है, आपने कहाँ पे इस पे निकलना है, लॉस में भी किस जगह पे निकलना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है और इसके बिना आप जो है वो कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो, फिर आप इसे जुआ टाइप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन के साथ इसको कर रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हुए आप इसको कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट आपको आता है, आपको ये आता है कि आपने कितना अर्निंग करना है। आप जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मुझे, अब मैं ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका नज़रिया ये होता है कि $100 डिपॉजिट करते हैं और वो रोज़ाना की या एक महीने के $1,000 कमाना चाहते हैं। लेकिन बिजनेस कोई भी है दुनिया में 10% 20% से ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप उसको निकालने की सोचोगे तो वो फिर आप अपने पूरे कारोबार को रिस्क पे डालते हो। सेम फॉरेक्स में भी अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है कि आपने कैपिटल कितना लगाया था और इससे कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न हो सकता है, यानी कि आप $100 लगा के तो $1,000 महीने के कमाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है आप टोटल अपना जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल कैपिटल है, वो आपने टोटल उसके रिस्क के ऊपर डाल दिया है। तो इस वजह से लोग फिर इसको लॉस करते हैं। और सबसे जो मेन वजह है, सीखना नहीं चाहते लोग, पैसे नहीं लगाते अपने नॉलेज पे। आप माशाल्लाह से बिजनेस की वीडियोस बनाते हैं और लोगों को सिखाते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड करते हैं, मैं आपके मुखालफ भी नहीं हूँ ना मैं कोई अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपने फॉरेक्स के हवाले से बात की है तो मेरी, क्योंकि ऑडियंस सारी फॉरेक्स के रिलेटेड है और मेरी वीडियोज़ पे ज़्यादातर जो है वो लोग, मैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये चीज़ सिखाता भी हूँ तो इसलिए वो ज़्यादा कमेंट्स नीचे आ रहे थे आपकी वीडियो को लेके, तो मुझे ये वीडियो बनाना भी पड़ी। मैंने फिर आपकी दोनों वीडियोज़ देखी हैं, आपने जो बातें की हैं उसके हवाले से मैंने रिप्लाई करने का कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर। कुछ चीज़ें हो सकता है गलत भी मैंने बोली हूँ, लेकिन ये है कि आप जो भी फॉरेक्स मार्केट में आना चाहता है सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सीखें, आपको फंडामेंटल आना चाहिए कि मार्केट में USD क्यों स्ट्रांग हो रहा है, क्या उसकी रीज़न है, या अगर गोल्ड गिर रहा है तो क्या उसकी रीज़न है, किसी भी करेंसी में जब आप ट्रेड करते हो तो उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके अप एंड डाउन जाने का, उसके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके साथ फिर आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको चार्ट्स पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस लेवल तक जा सकती है, किस लेवल पे बैठ सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर आप एक अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड करें। आप फिर ये तीसरी आपकी शर्त ये है कि आपका जो कैपिटल है, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप $20-25-30 से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें। इन्फॉर्मेशन अच्छी होने के साथ फिर आप अच्छे कैपिटल के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि जब फॉरेक्स में ये जब इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था तो $10,000 से कम इसमें अकाउंट ओपन नहीं होता था, तो उसके बाद फिर ये लिवरेज भी और $10,000 से कम अकाउंट ओपन शुरू हुए और उसका नुकसान फिर क्या हुआ कि लोगों ने थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन डेमो स्टार्ट किया। डेमो पे वो अकाउंट किस तरह से बना लेते हैं, रियल में अगर उन्होंने $1,000 का अकाउंट बनाना है तो डेमो पे वो $10,000-20,000 का अकाउंट बना लेंगे और उस पर बड़ी लॉट लेंगे।
जब वो बड़ी लॉट लेंगे उन्हें लगेगा ये तो बहुत आसान सा काम है, इस पे प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से वो फिर जब रियल में डालेंगे वो उन्होंने 1,000 या $500 डालना है। उधर डेमो पे उन्होंने $20,000 का अकाउंट ओपन किया हुआ था, तो सीखा उन्होंने उस चीज पे है और इम्प्लीमेंट अब वो $1,000 पे कर रहे हैं। अब वो बड़ी लॉट्स लेंगे बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, जिसके बदले उनको लॉस होगा। और मैं तो इसको सबसे जो एक बेसिक चीज समझता हूँ वो इंफॉर्मेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है। तो आखिर में मैं यही बात करना चाहूंगा कि कभी आजाद भाई इस वीडियो को देखते हैं या आप दोस्त भी कोई भी हवाले से कोई भी कमेंट है तो आप नीचे जरूर लिखें, मैं आप इसके ऊपर मजीद वीडियो भी बना सकता हूँ। और उन्होंने भी जो बात की है उसको थोड़ा सा जो बात वो करें उस हिसाब से अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस सही नहीं है या आप इसको बिल्कुल ही आप इग्नोर कर दें। आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं प्रोफेशनली। अगर आप पूरी दुनिया की इंडस्ट्री देखें, पूरी दुनिया में अगर आप फॉरेक्स के अंदर लोग काम करते हुए देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम बिना एजुकेशन के बिना सीखे अपने दिमाग पर इन्वेस्ट नहीं करते, हम नई चीज़ सीखना नहीं चाहते और हम सिर्फ उसको आसान समझ के एक एंटर हो जाते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो फिर उसके बाद जो है ना वो आपको लॉस होता है। तो होप्स हो कि आप ये वीडियो समझे होंगे और जो मैंने बात की है उसके हवाले से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।